आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है 30 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो और आज मेरा फास्ट है, तो सुबह का जो मॉर्निंग का हर रोज पूजा होता है वो मैं कर ली हूँ। मतलब वही सिंपल पूजा जो होता है, धूप बत्ती अगरबत्ती वही सब करना होता है, वो मैं कर चुकी हूँ। और शाम का जो कृष्ण भगवान का जो पूजा होगा वो मैं रात में करूँगी। तो मैं इसमें निर्जला ही व्रत रखती हूँ फ्रेंड्स, रात में ही पूजा करके उसके बाद फिर मैं शरबत वगैरह लेती हूँ। उसके बाद सुबह में फिर नहा धोवा कर उसके बाद पारण करती हूँ। तो इसी तरह मेरा सिंपल तरीके से ही मैं पूजा करती हूँ फ्रेंड। मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में, आप बने रहिएगा। तो पूजा मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे करती हूँ मैं। और उस दिन मैं बताई थी आप लोगों से कि मैं कुछ ख़रीदारी की थी अपनी बेटी के लिए, तो वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो आज मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाता है। 2 दिन से सोच रही थी, कल फिर डीप क्लीनिंग करने लगी तो फिर समय नहीं मिला फ्रेंड्स। तो आज मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं बेटी के लिए क्या ली थी और अपने लिए भी कुछ खरीदी थी फ्रेंड्स। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, स्कूल बैग तो बहुत ज़रूरी था लेना, क्योंकि स्कूल बैग नहीं था और स्कर्ट भी नहीं था, बहुत छोटा हो गया था, घुटना से ऊपर आ गया था स्कर्ट मेरी बेटी का। तो फिर मैं एक स्कर्ट ले ली, क्योंकि अभी अगर मैं कपड़ा खरीद कर सिलूंगी तो बहुत अभी समय लगेगा। अभी तीज का भी बहुत कपड़ा सिलना था फ्रेंड, इसीलिए मैं रेडीमेड ले ली। तो देखिए इतना लंबा है। रिया का इसी कलर का स्कर्ट चलता है फ्रेंड्स। ऊपर का जो शर्ट होता है वो येलो कलर का होता है और ये स्कर्ट होता है ब्लैक कलर का। यही यूनिफॉर्म चलता है रिया का, और बस सप्ताह में एक दिन वह व्हाइट यूनिफॉर्म पहनकर जाती है वेडनेसडे को। देखिए स्कर्ट ली थी मैं। यहाँ पर दुकान है एक, वहाँ पर सारे स्कूल के जितने भी सामान एक ही दुकान में मिल जाते हैं, बैग वगैरह और यूनिफॉर्म सब एक ही दुकान में मिल जाते हैं। आँख में कुछ चला गया लगता है। तो यही स्कर्ट ली थी मैं, और ये मुझे पड़ा है फ्रेंड 300 रुपये का। और घर में आते ही मेरी बेटी देखी, इसमें सारा किताब अरेंज करके रख दी है। तो ये बैग खरीदी थी मैं, और ये वाटर प्रूफ है फ्रेंड। एक बैग लेने से मुझे 1 साल चल जाता है। अभी तो 2 साल से मैं बैग नहीं खरीदी थी, 2019 में ही बैग खरीदी थी और अभी मैं 2021 में बैग खरीदी। और 2 चूड़ी का बॉक्स खरीदी थी, क्योंकि चूड़ी नहीं था फ्रेंड्स और न्यू चूड़ी में ही पूजा किया जाता है। तो मेरे पास पहना हुआ चूड़ी है, लेकिन मैं 2 डब्बा खरीद ली, क्योंकि फास्टिंग जो होता है वीकली उसमें भी काम आ जाएगा, तो मैं इसीलिए 2 डब्बा लेकर आई हूँ। 2 डब्बा चूड़ी ली हूँ। पिंक कलर का है। ये कांच का चूड़ी है फ्रेंड्स, कहीं कहीं इसमें एक एक करके स्टोन लगा हुआ है, दूर दूर में स्टोन लगा हुआ है। एक पिंक कलर का ली हूँ और एक गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर का इसलिए ली हूँ कि गोल्डन, इसमें ढेर सारा नग लगा हुआ है। बहुत अच्छा साइन कर रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ले ली। इसको मैं कोई भी चूड़ी के साथ मिक्स करके पहन सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको ली। नहीं तो फिर मुझे एक ही डब्बा लेने का मन था, इसीलिए मैं इसको ले ली। और ये दोनों डब्बा मुझे 150 रुपये का पड़ा है, 75 रुपये डब्बा। और वहीं पर ये क्लिप था तो मैं रिया के लिए ले ली, ऐसे करके लगा लेगी। रिया के लिए ली हूँ।
और मैं आज क्या पहनूंगी शाम को फ्रेंड्स, वो मैं निकाल के रखी हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरा पहना हुआ साड़ी है और ये साड़ी मैं पहनूंगी फ्रेंड्स शाम को आज जन्माष्टमी के दिन। और ये पिंक कलर का है, मैं ज़्यादातर इसको नहीं पहनती हूँ, बस कभी कभार जब घर में कोई पूजा रहता है तभी मैं पहनती हूँ, क्योंकि भारी लगता है फ्रेंड्स। इसीलिए इसमें बहुत चौड़ा एक साइड का ये पतला बॉर्डर है और एक साइड का बहुत चौड़ा बॉर्डर है। देखिए कितना चौड़ा एक। और इसके साथ मैं एक ब्लाउज बनाई हूँ, ये बचा हुआ कपड़ा का बनाई थी ब्लाउज मैं, मेरा बचा हुआ कपड़ा का है, तो दो तीन जगह इसमें ज्वाइंट आया था, तो फिर भी मैं बना ली क्योंकि काम आ जाता है। अभी तो गोल्डन ब्लाउज ट्रेंड में है। और यहाँ देखिए मैं प्रिंस कट का बनाई थी ब्लाउज, कभी एक दो ब्लाउज बनाने के बाद जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है उसी को मैं अटैच करके बना ली। और इसमें इनर नहीं लगा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। और ये क्लिप आपको दिखाना भूल गई, ये क्लिप भी मैं ली थी, एक वाइट एक रेड, और ये 10-10 रुपए का मिल रहा था तो फिर मैं ले ली रिया के लिए। और ये इयर रिंग ली थी, ये 15 रुपए का है, अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स इसीलिए मैं ले ली। मैं शाम को पहनूंगी जो कान का, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये गोल्ड का है फ्रेंड्स, ये मेरी शादी का ही है तो इसको मैं पहनूंगी आज, क्योंकि जब भी मैं घर में पूजा करती हूँ तो यही झुमके पहनती हूँ, क्योंकि और कहीं पहन कर जाती नहीं हूँ क्योंकि सोचती हूँ गुम हो जाएगा इसीलिए। तो देखिए यही झुमके मैं पहनूंगी आज, बस इतना ही मैं खरीदारी की थी, तो मैं सोच ही रही थी कि दिखा दूंगी लेकिन दिखाई नहीं पाती थी। आज दोपहर का भी लंच नहीं बनाई हूँ, बस नाश्ता बना है मेरा, रोटी और भिंडी का सब्जी बनाई हूँ आज। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, उसके बाद खाना सबको खिलाकर उसके बाद घर का सफाई कर दूंगी शाम तक, और उसके बाद फिर से नहा लूंगी शाम को, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, तैयारी भी करनी है। तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, बस घर में ही पूजा करूँगी मैं। तो अभी मैं देखिए यहाँ पर नहा धो हो गई फ्रेंड्स, देखिए मैं आज साड़ी पहनी हूँ, तो अभी मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. मैं जा रही हूँ अभी पूजा की तैयारी करने के लिए, तो देखिए मैं कैसे करती हूँ पूजा। मैं ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करती हूँ, मैं जैसे भी करती हूँ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, तो चलिए देखिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स मेरा जन्माष्टमी का पूजा हो गया स्टार्ट, और मैं यहाँ पर देखिए चौकी लगा रही हूँ, मैं इसको धो कर रख दी थी नहाने से पहले ही, ये सूख गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर कर दे रही हूँ, क्योंकि सफ़ेद चौकी में नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा या रंगोली बनाया जाता है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत कलर किया जाता है। तो मैं यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा कलर कर दी हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पर कोई कपड़ा बिछा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं जो कपड़ा सिलती हूँ वही कतरन है, तो ये छोटा पड़ रहा था इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा लेकर आई हूँ। तो ये मेरा ब्लाउज पीस था तो इसको मैं यहीं पर बिछा दी। और यहाँ पर देखिए मैं सारे पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ, और मैं यहाँ पर चौका पूरी हूँ फ्रेंड्स। कोई भी पूजा में हम लोग चौका पूरते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें लड्डू गोपाल को यहाँ पर देखिए स्नान करा रही हूँ।
तो अभी रात का समय हो रहा है फ्रेंड्स, 11:12 हो रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं गंगा जल से स्नान कराई थी, उसके बाद फिर मैं शरबत से स्नान कराई, फिर दही दूध हनी यही सब से मैं स्नान कराई हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं शुद्ध जल से इसको स्नान कराऊंगी सबसे, उससे पहले फिर मैं इसको पंचामृत में डुबो कर छोड़ दी थी कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ देखिए मेरा लड्डू गोपाल जी है यहाँ पर। उसके बाद फिर मेरा पूजा पूरा हो गया था कंप्लीट। यहाँ पर आरती कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स, आरती मैं वही बुक पढ़कर ही कर रही हूँ। मैं जितना मुझे आता है फ्रेंड्स, मैं उतना ही कर रही हूँ, और जैसे मेरे ससुराल वाले करते हैं मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। और अब मेरे मायके में इस तरह से नहीं होते हैं फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से होते हैं। तो मैं मुझे मायके का तरीका यहाँ पर नहीं करना था, मुझे ससुराल का ही तरीका, मैं इसी तरह से जब से शादी हुआ है इसी तरह से करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूजा हो गया है कम्प्लीट। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा पूजा करने का तरीका फ्रेंड्स, बताइएगा। मैं उतना डिटेल में तो नहीं दिखा पाई क्योंकि बच्चे सो गए थे इसीलिए। और देखिए उसके बाद फिर मैं जो बाकी मंदिर है मेरा, वहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह में की थी, लेकिन फिर से मैं भी कर दे रही हूँ पूजा। और यहाँ देखिए आरती का ये थाल है, उसके बाद फिर मैं आरती ले लूँगी और मेरा पूजा कंप्लीट हो जाएगा अभी। और इसी तरह मैं करती हूँ फ्रेंड्स पूजा। और देखिए, और अब मैं प्रणाम कर ले रही हूँ लास्ट में माथा टेक कर, उसके बाद मेरा हो गया है सारा कंप्लीट। तो देखिए मेरे यहाँ पर ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं तैयार होने के बाद, और यहाँ पर पूरा पकवान रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह वीडियो प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।